नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है रजिया सुल्तान का शासनकाल, जो कि बड़ा संक्षिप्त शासनकाल था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्यकालीन इतिहास में, और प्रायः इसके ऊपर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लगभग 4 साल का ये शासनकाल था रजिया का, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। तो इस टॉपिक पर चर्चा करने से पूर्व आपसे हमेशा की भांति अपील करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स वगैरह भी दें और शेयर भी करें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के उपरांत रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका उत्तराधिकारी बना, यानी नया सुल्तान बना। जबकि इल्तुतमिश ये चाहता था कि उसकी पुत्री रजिया उसकी मृत्यु के उपरांत सुल्तान बने, तो उसने अपनी अपने मरने से पहले ये इच्छा जाहिर भी की थी। वास्तव में इल्तुतमिश का एक पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, जो कि बहुत योग्य था, और वो उसे उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन बंगाल के अभियान में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर उसने ये सोचा कि रजिया उसके, चूंकि जितने संतानें थी उन संतानों में रजिया सबसे योग्य थी, इसलिए वो रजिया को सुल्तान बनाना चाहता था, और अपने मृत्यु से पहले उसने इसकी इच्छा भी जाहिर की थी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक था, और उसके समय में सत्ता उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथ में चली गई। शाह तुर्कान एक बहुत क्रूर महिला थी, और इल्तुतमिश कि अन्य पत्नियों और उसके अन्य पुत्रों के प्रति वो बहुत ही ईर्ष्या रखती थी, द्वेष रखती थी, और उनके साथ उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनके प्रति भारी अत्याचार किया। तो इन सब कार्यों से दुखी होकर के बदायूं, हांसी, लाहौर, मुल्तान आदि के जो प्रांतीय सरदार थे, उन लोगों ने ये सोचा कि रुकनुद्दीन और शाह तुर्कान के अत्याचार से लोगों को मुक्ति दिलाई जाए। तो उन लोगों ने जो है दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दूसरी बात यह भी थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इस समय सत्ता प्राप्त की जा सकती थी। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में बार 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 सत्ता परिवर्तन होता है, और जैसे कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके हाथ में तलवार की ताकत है वो सत्ता प्राप्त कर सकता था। तो इसलिए बदायूं, हांसी, लाहौर, मुल्तान आदि के जो प्रांतीय सरदार थे उन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया, और उन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को इनसे लोहा लेने के लिए या इनका मुकाबला करने के लिए दिल्ली से बाहर आना पड़ा, और दिल्ली के बाहर आकर वो इनसे टक्कर लेने लगा। तो इस अवसर का लाभ उठा करके रजिया ने शुक्रवार की नमाज के दिन लोगों को सीधे संबोधित किया। कहते हैं कि वो लाल कपड़े पहन करके वहाँ पे पहुँच गई, और लोगों को उसने संबोधित किया और स्वयं सुल्तान बनाए जाने की अपील की कि आप लोग मुझे सुल्तान बना दीजिए। उसने वचन दिया दिल्ली के निवासियों को और वहाँ के अमीरों इत्यादि को कि वह लोगों की समस्याओं का निराकरण करेगी, उनके कष्ट दूर करेगी, उनके दुख दूर करेगी, उन्हें हर प्रकार के अत्याचारों से मुक्त करेगी। उसके भाषण से प्रभावित होकर के दिल्ली के अमीरों ने उसे सुल्तान बना दिया, और शाह तुर्कान एवं रुकनुद्दीन को बंदी बना लिया गया। तो इस तरह से रजिया का सिंहासनारोहण तो हो गया, और रजिया के सिंहासनारोहण का बड़ा महत्व है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में। और तो उसको हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं, रजिया के राज्यारोहण के महत्व को।
रजिया के सिंहासन पर आने से पहली बार दिल्ली के नागरिकों ने दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार का प्रश्न अपने बलबूते पर हल किया। इसलिए दिल्ली की जनता का समर्थन रजिया की शक्ति का प्रमुख स्रोत था, यह आप कह सकते हैं। अर्थात जैसे कि उसने शुक्रवार की नमाज के समय जो अपील की थी दिल्ली की जनता से, तो उसको गद्दी भी बिठाया गया था, तो उसका तो दिल्ली की जनता का, दिल्ली के अमीरों का समर्थन उसको हासिल हो गया था और यही उसकी शक्ति या उसकी ताकत का प्रमुख स्रोत था। दूसरी बात कि जब तक रजिया दिल्ली से बाहर नहीं गई तब तक उसके विरुद्ध कोई भी विरोध सफल नहीं हुआ और न ही राजमहल में कोई क्रांति हुई। राजमहल की क्रांति से मतलब यह है कि जो राज परिवार के लोग थे, इल्तुतमिश के और भी संतानें थीं, पत्नियां थीं, तो कई बार ऐसा होता था कि अक्सर आप मुस्लिम इतिहास में देखेंगे कि राज परिवार में ही षड्यंत्र होते रहते थे, लेकिन रजिया के विरुद्ध इस तरह का कोई षड्यंत्र राजमहल की तरफ से नहीं हुआ, न तो दिल्ली के लोगों ने उसके खिलाफ कोई क्रांति की। तीसरी बात, रजिया ने अपने राज्यारोहण को एक समझौते का स्वरूप प्रदान किया। समझौता इसलिए कि उसने सामान्य जनता से कहा था कि यदि मैं आप लोगों की आशाओं की पूर्ति न कर पाऊं तो आप लोग मुझे सत्ता से हटा दें। जब वो शुक्रवार के नमाज में पहुंची थी, जब उसने जनता से अपील की थी, तो वहां पे उसने ये बात कही थी कि अगर मैं आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती हूं, अगर मैं आपके आशा के अनुरूप आपकी मांगों की पूर्ति न कर पाऊं तो आप मुझे सत्ता से हटा दें। तो इस तरह से रजिया का जो राज्यारोहण था वो एक तरह का समझौता था। चौथी बात, इल्तुतमिश रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, और तो ये बात कि रजिया के सिंहासन पर आने से इल्तुतमिश का जो चयन था वो न्याय संगत सिद्ध हो गया। पांचवी बात, रजिया के सिंहासनारोहण से और उसके दिल्ली की गद्दी पर आने से राज्य के मामले में मुस्लिम धर्माधिकारियों की शक्तिहीनता प्रकट हुई, क्योंकि इस्लामी प्रथा के अनुसार एक महिला का सिंहासन पर आना निषिद्ध था। मुस्लिम शरीयत में इस बात की इजाज़त नहीं है कि कोई महिला शासन करे, पुरुषों के ऊपर समाज पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था, और तो लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उलेमा वर्ग जो है वो मूक दर्शक बन के रह गया, जो मुस्लिम धर्माधिकारी थे मूक दर्शक बन के रह गए, वो शक्तिहीन से हो गए थे, क्योंकि लोगों की इच्छा के विरुद्ध वो कुछ कर नहीं पा रहे थे और रजिया को सुल्तान बना दिया गया था। तो इस तरह से मुस्लिम धर्माधिकारियों की शक्तिहीनता प्रकट हुई यहाँ पर। छठी बात, प्रांतीय सरदारों में असंतोष उत्पन्न हो गया। दिल्ली की जनता, सेना और अफसरों ने रजिया को सुल्तान बनाया था, अतः प्रांतीय सूबेदार स्वयं को अपमानित एवं उपेक्षित महसूस करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि अपने शासन के आरंभ काल से ही रजिया को उनके विरोध का सामना करना पड़ा। रजिया ने यह महसूस किया कि तुर्की सरदारों की महत्वाकांक्षा राज्य की शांति एवं व्यवस्था के लिए बाधक है, और इसलिए उसने एक गैर तुर्की संगठन के निर्माण का प्रयास किया या गैर तुर्की संगठन का निर्माण किया, किंतु इस कारण से उसका विरोध बहुत अधिक बढ़ गया। तो आइए मित्रों, हम थोड़ा सा रजिया की प्रारंभिक कठिनाइयों, ये तो उसके राज्यारोहण का क्या महत्व था और इस पे हमने चर्चा की, थोड़ी उसकी प्रारंभिक कठिनाइयों पे बात की जाए। तो रजिया की प्रारंभिक कठिनाई उस समय उत्पन्न हुई जब इल्तुतमिश ने वजीर निजामुल मुल्क
इल्तुतमिश के वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी ने उसके राज्यारोहण को अस्वीकार कर दिया। निजामुल मुल्क जुनैदी जो था बड़ा इल्तुतमिश के समय में वजीर था, ताकतवर था, और तो उसने रजिया के राज्यारोहण को अस्वीकार कर दिया और उसको बहुत सारे लोगों का समर्थन भी हासिल था। अब जैसे उसको प्रसिद्ध तुर्की सामंत तो उस समय के जो थे, जैसे मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, कबीर खां, मलिक इजुद्दीन, मोहम्मद सलारी आदि जो थे, उन्होंने निजामुल मुल्क का समर्थन किया और रजिया के खिलाफ दिल्ली के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। किंतु रजिया ने बहादुरी से इनका मुकाबला किया और समस्त विरोधी तत्व या तो कुचल दिए गए या उन्होंने रजिया की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस तरह से प्रारंभ में रजिया किसी तरह से उनके ऊपर काबू पाने में सफल रही, हम कह सकते हैं। तो मित्रों, विद्रोहियों का इस प्रकार से विनाश करने के उपरांत रजिया ने प्रशासन का पुनः संगठन प्रारंभ किया, फिर से प्रशासन को संगठित करना प्रारंभ किया। ख्वाजा मुहज़्ज़बुद्दीन को वजीर बना करके निजामुल मुल्क की उपाधि दी गई। सेना मलिक सैफुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में रखी गई। इसी तरह से कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब लश्कर नियुक्त किया गया। तो इस तरह से पदों का बंटवारा उसने किया और इन समस्याओं से निपटने के उपरांत रजिया ने कुछ अभियान भी करने चाहे। उसने जो है रणथंभौर और ग्वालियर के ऊपर अभियान किया, लेकिन यह अभियान असफल रहा। अब रजिया के स्वभाव में काफी परिवर्तन आता है। रजिया को यह लगने लगा कि पर्दे में रह करके शासन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए रजिया ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में लेने के लिए पर्दा का त्याग कर दिया, क्योंकि वह उसके काम में बाधा बन रहा था। पर्दा यानी पर्दा जो है उसके काम में बाधा उत्पन्न कर रहा था, तो इसलिए उसने पर्दे का त्याग कर दिया। रजिया द्वारा स्वयं और आग्रह पूर्वक प्रशासन के कामकाज को देखने तथा राजकीय पदों पर अतुर्कों को नियुक्त करने से तुर्क अमीरों के मन में उसके प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हो गई और वे उसे उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र करने लगे, योजना बनाने लगे। रजिया के विरुद्ध जो प्रमुख षड्यंत्रकारी थे, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों का प्रमुख नेता इख्तियारुद्दीन आयतीन था, जो अमीर हाजिब के पद पर कार्य कर रहा था। बटिंडा का शासक मलिक अल्तूनिया और लाहौर का सूबेदार कबीर खां अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। षड्यंत्रकारी रजिया की शक्ति एवं उसके सैनिकों की उसके प्रति भक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे, और इसलिए वो ये चाहते थे कि रजिया को दूर ले जाया जाए, राजधानी से दिल्ली से दूर ले जाया जाए और वहाँ जा करके फिर उसके खिलाफ अपनी योजना को, अपने षड्यंत्र को पूरा किया जाए और दूर ले जा करके उसे मार दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए। तो इस योजना के अनुसार लाहौर के शासक कबीर खान ने 1240 ईस्वी में विद्रोह का झंडा बुलंद किया, लेकिन रजिया ने उसे पराजित कर दिया और उसने बिना शर्त स्वयं को रजिया के सुपुर्द कर दिया। तो इस तरह से रजिया दिल्ली लौट आई। 15 दिन के भीतर दूसरा विद्रोह प्रारंभ हुआ। इस बार जो विद्रोह था वो बटिंडा के सूबेदार अल्तूनिया ने किया, उसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। और तो वो अमीर हाजिब का मित्र था। अमीर हाजिब, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इख्तियारुद्दीन आयतीन जो था वो अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त था, तो अल्तुनिया उसका मित्र था। रजिया ने विद्रोहियों के खिलाफ कूच किया लेकिन वह पराजित हो गई इस बार।
इस बार वो उनका सामना नहीं करनी पाई। बहुत ज़्यादा हम विवरण में नहीं जाना चाहते। और रजिया को बंदी बना लिया गया। अब जो षड्यंत्रकारी थे उन्होंने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। बहराम शाह का सिंहासनारोहण कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो षड्यंत्रकारी थे वो अपनी योजना में सफल हो गए और रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र उनका सफल हुआ। वो युद्ध में विजयी हो गए और उन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया। बहराम शाह के सिंहासनारोहण के पश्चात राजकीय पदों का एक बार फिर से वितरण किया जाने लगा। चूँकि अब सत्ता प्राप्त हुई थी तो बंदर बांट करनी ही थी आपस में विद्रोहियों को। और पदों का जो वितरण किया गया उसमें अल्तुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार पद नहीं मिला, जिससे कि वो असंतुष्ट हो गया और नाराज हो गया और उसने बदले की योजना बनाई अपने साथियों से, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथियों ने उसे धोखा दिया और उसे महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। तो बदले की योजना बनाई और इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए 1240 ईस्वी में उसने रजिया को भटिंडा के किले की जेल से मुक्त कर दिया और रजिया के साथ उसने विवाह कर लिया। उसने रजिया को इस बात के लिए तैयार किया कि अगर वो और रजिया दोनों मिल जाएंगे तो वो लोग मिल करके षड्यंत्रकारियों को दिल्ली से निकाल बाहर करेंगे और एक बार फिर से सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी। रजिया को ये प्रस्ताव सही लगा, उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और फिर उन दोनों ने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया। लेकिन बहराम की सेना उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए बहराम की सेना से वो पराजित हो गए और वापस लौटते समय 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कुछ डाकुओं ने कैथल के समीप उनकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार रजिया के शासन का अंत हो गया, जो बड़ा ही संक्षिप्त शासन था लेकिन बड़ा ही घटनापूर्ण था। रजिया का यदि हम मूल्यांकन करें तो हम ये कह सकते हैं कि रजिया में बादशाहों और सुल्तानों के अनुकूल सभी गुण विद्यमान थे, यानी कि शासन करने के लिए एक शासक में जो प्रतिभा होनी चाहिए, जो शक्ति होनी चाहिए, जो बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, वो सब उसके अंदर विद्यमान थे। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, या कह लीजिए जो सबसे बड़ी बाधा उसके सामने थी, वो उसका नारीत्व था, यानी उसका नारी होना था। यही उसका नारी होना ही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी। वह उसकी बौद्धिक और मानसिक योग्यताओं के प्रयोग में उसका नारीत्व जो है वो बाधक बन गया। लेकिन हम यहाँ यह कह सकते हैं कि उसका नारीत्व उसके पतन का कारण नहीं था। उसका विरोध विशेष रूप से जातीय आधार पर संगठित किया गया था और वह पहली मुसलमान स्त्री थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वह एक बहुत वीर, बहुत कर्मठ, बहुत योग्य महिला थी और एक बहादुर सैनिक थी, हम कह सकते हैं एक बहादुर सेनानायक थी, और राजनीति में दक्ष थी। उसमें वो सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए थे, जो एक पुरुष सुल्तान में थे वो सारे गुण उसके अंदर भी थे। उसका स्त्री होना ही जो है वो उसके लिए सबसे बड़ी अयोग्यता बन गई। और साथ ही साथ तुर्की अमीरों की जो सत्ता पाने की महत्वाकांक्षा थी वो भी उसके पतन का कारण बन गई। तो इस तरह से मित्रों, इस संक्षिप्त से वीडियो में मैंने आपको
ये बताने का प्रयास किया रजिया के शासनकाल की घटनाओं को। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने कमेंट्स भी दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।